और बात करते हैं राइजिंग की, जहां फिंगेश्वर स्थित लकेरा गांव के से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहां के ग्रामीणों ने अवैध रेत कारोबारियों के वाहनों को पकड़ा है। दरअसल पिछले कई महीनों से कलेक्टर को अवैध खनन सूचना दी जा रही थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तब ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर स्वयं कुछ करने का मन बनाया और रात भर जाकर गांव की महिला कमांडो और पंचायत प्रतिनिधियों ने अवैध खनन करने वाले वाहनों को पकड़ा और फिर उन्हें खनिज विभाग के हवाले कर दिया। क्योंकि अब हमारे गांव में रेती 12 बजे रात को पकड़े हैं हम लोग, और रात भर के जागने से वजह से और हमारे गांव में रेती विकरण नहीं चाहिए हम लोग को, महिला कमांडे को, इसीलिए हम लोग रेती खदान बेच नहीं सकते हैं। और हमारे घर गांव का भविष्य के लिए हम लोग सोच रहे हैं क्या जा रहे हैं। और गाड़ियों को जो है महिला कमांडो के द्वारा रोका गया था, ग्रामवासी भी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा रोका गया था, जिसको जिसमें 2 हाईवा है, 2 ट्रैक्टर है, और मौके पर हमने जांच किया, उनमें अभी पास नहीं पाया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता जितेंद्र सिन्हा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अवैध रेत उत्खनन का मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए। शासन प्रशासन ने दावे भी किए कि हाँ होगा, पर बावजूद इसके जो तस्वीरें हैं वो राज्य में जो आई हैं उसको साफ देख सकते हैं हम। निश्चित रूप में गरियाबंद जिले में कई ऐसे रेत घाट शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जहाँ पे बकायदा पंजीकृत जो ठेकेदार हैं वो रेत का कारोबार कर तो रहे, लेकिन जहाँ तक कि जो नियम बनाई गई है, नियम के तहत जैसे गौण खनिज संपदा है, सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद ये मतलब निकाला जाना, बावजूद जो ठेकेदार हैं वो अपनी दबंगई और मनमानी करके रात के अंधेरे में जो है इस अवैध कार्य को अंजाम देते हैं। बावजूद रेत घाट में जो जेसीबी मशीन है, जो चैन माउंटेन मशीन बोलते हैं, उनको उपयोग में नहीं लाना है, गांव के लेबरों से ही रेत का लोडिंग करके उनको परिवहन किया जाना है, जबकि राज्य सरकार की ये मंशा है कि रेत घाट में अधिक से अधिक गांव के लोगों को रोजगार मिले, उनकी मजदूरी मिले, ताकि वो पलायन की स्थिति ना हो, ये देख करके उन्होंने रेत घाट स्वीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पे ठेकेदार के दबंगई और मनमानी के चलते कई अधिकांश जिले में रेत घाट ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे बकायदा चैन माउंटेन मशीन से लोडिंग की जा रही है, जिससे गरीबों के हक का निवाला छूला जा रहा है, और अधिकतर जो गाड़ियां हैं ठेकेदारों के द्वारा देर रात को ही परिवहन किया जाता है, जबकि रात में सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। जी जी जितेंद्र, इस पूरी खबर में एक बात ये भी देखने वाली है कि इससे पहले कलेक्टर से भी शिकायत की गई है, बावजूद कलेक्टर ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के भी इसमें मिली भगत है। जी जी, निश्चित तौर पे ग्राम की जो महिला कमांडो है, महिला कमांडो में तकरीबन 40 से 50 महिलाएं हैं, उन लोगों ने सामूहिक रूप से जाकर के जिला कलेक्टर को उक्त आशय की ज्ञापन भी सौंप करके मांग किए थे कि हमारे गांव पे जो है। जितेंद्र, आपको यहां पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में जिला खनिज अधिकारी फागुराम नागेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फागुराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? हेलो जी, पागुराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी जी, स्वराज एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, अवैध खनन का मामला सामने आया है, राजिम से है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस पर हम लोगों को शिकायत, ग्रामीण को शिकायत प्राप्त हुआ था, और इस पर हम लोगों ने जाकर वहाँ पर जो भी अवैध कार्य में शामिल थे वो मशीनों को जब्त किया है और गाड़ियों को जब्त कर पुलिस थाने में रखा गया। जी पागुराम जी, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कार्रवाई तो कई बार की जाती है, पर जो अवैध उत्खनन है उस पर रोक नहीं लगती है, तो अब इस पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? हमारे यहाँ खनिज निरंतर इसके लिए जो है थोड़ा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है, जहाँ भी इस प्रकार की अगर गतिविधियाँ हैं वो सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी, पर इसमें ये भी देखने को मिला है कि कलेक्टर से तो सर पहले ही शिकायत कर चुके थे, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ये पहली बार आया है, जब कल इन्होंने ग्रामीणों ने सवेरे मुझे फोन पे बताया तो हम लोग तत्काल यहाँ से जाकर के कार्रवाई की है। जी चलिए, अब आपके संज्ञान में आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।